इवन कोमल ब्लॉग में मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं मुझे जरूर बताना कमेंट में। सो आप लोग अच्छे ही होंगे। मुझे एक निधि का कमेंट आया था कि दी आपके कपड़े सेम क्यों होते हैं। रीज़न ये है निधि कि मैं जो ब्लॉग बनाती हूँ वो पूरे डे का बनाती हूँ, पूरे दिन का बनाती हूँ, और आपके साथ वो पूरा दिन का शेयर करती हूँ। और उस दिन सेम ही कपड़े होंगे, अलग तो होंगे नहीं। एक दिन में 10 कपड़े तो चेंज करूँगी नहीं। और दूसरी बात, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ या फिर बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ या बहुत खास नहीं हूँ कि मुझे दस दिन में दस बार कपड़े चेंज करके वीडियो बनानी पड़ी। मैं ऐसी नहीं हूँ। योर क्लास से हो चुकी हूँ फ्री, जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। डेम क्लास भी थी और योर क्लास भी थी, तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। और ये देखो, यहाँ जो कबूतर आप देख रहे हैं, मैं कह रही थी ना कि मैं 3-4 दिन से बहुत परेशान हो रही हूँ। तो ये परेशानी का कारण ये था कि बहुत ज़्यादा कबूतर बहुत परेशान हो रही थी, इधर उधर भाग रही थी, मैंने बहुत बार बताया। तो आज जब मैंने पीआईपी साहब आए, आईडी भाई आए, तो मैंने आईडी भाई को कहा चेक करो, मुझे लग रहा है कि बच्चे हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं चेक करता हूँ। और जब चेक किया तो दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हो रखे थे। तो मुझे भी संतुष्टि हो गई, क्योंकि बीआईपी साहब बहुत दिन से कह रहे थे कि छेड़ना मत, छेड़ेंगे तो इसके अंडे खराब जाएंगे, ये अंडे खराब कर देगी। तो चलो, अब सुख शांति से इसके बच्चे हो गए हैं, तो मुझे भी चैन मिल गया, क्योंकि मैं भी परेशान हो रही थी बहुत दिन से कि बहुत परेशान हो रही है। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके बच्चे आराम से हो गए हैं और वो भी खुश है, और वो भी इधर उधर घूमने चली गई है। अब उसे मतलब से संतुष्टि हो गई है कि उसके बच्चे हो गए हैं। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत से कमेंट में देखा, बच्चों ने लिखा है कि दी आपका बीपी लो तो नहीं हो गया, दी आप चेक करवा लो, दी आप और इसका घोल पी लो, दी आप ये कर लो दी। तो थैंक यू एवरीवन आपका इतना प्यार देने के लिए। मैं बिल्कुल ओके हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस हाँ, हो सकता है वो खाना हम लोग टाइम से नहीं खा पाए थे, टाइम से सो ही नहीं है, तो वो शायद वीकनेस है, शायद नींद निकल के आ रही है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे, बहुत से लोगों ने कमेंट में बोला है कि हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरी तबीयत भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैंने बीपी भी चेक करवा लिया था, सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ओके हूँ मैं। हो सकता है वो वीकनेस है, वो जल्दी नहीं जाएगी, थोड़ा धीरे धीरे से ही जाएगी, तो मैं ऑल ओके हूँ। थैंक यू एवरीवन। ये हमारे बीपी साहब आज कर रहे हैं हमारे किचन में कुकिंग। वो देखो क्या बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो बीपी साहब? देखो एक गरीब से आज गरीब आदमी से काम करा रहे हैं, शर्म नहीं आती है। किचन में लगा रखा है मुझे। वैरागी राइटर जी आज हमारे किचन में लगे हुए हैं, जिन्हें आप ज्यादातर क्या करते देखते हो, नंबर लगाते देखते हो। वो आज कर रहे हैं हमारे किचन में कुकिंग। कुकिंग भी करता हूँ। देखो आज हम लोग बना रहे हैं पनीर, पनीर का कुछ तो बनाएंगे, मन तो शाही पनीर बनाने का है, और देखते हैं पनीर शाही पनीर बनेगा नहीं बनेगा। ऐसे कुकिंग तो आप लोगों ने मेरी देखी रखी है, चाहे किसी लोगों ने मेरी कुकिंग खाना भी टेस्ट कर रखा है, लेकिन मैंने बनाया है, होंगे 50 लोगों ने तब तक तो कर लिया होगा चेक। हाँ, और 50 लोगों में से हर कोई ये कहता है, अगली बार जब आता है तो ये कहता है बीआईपी साहब ने जो बनाया था वो एक दोबारा बना के खिला दो। तो बीआईपी साहब बनाते नहीं दोबारा, वो दोबारा बनाते नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं आते फिर। एक बार चीज खाने को बनाना थोड़ी नहीं, उसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, परेशान करना पड़ेगा, वीआईपी को बुलाने में आपको तपस्या करने के लिए। ऐसे वीआईपी नहीं है वो, तपस्या से आप लोगों को प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रसन्न तो वीआईपी सब लगे पड़े हैं आज हमारे किचन में कुकिंग करने। तो जब वीआईपी साहब बनाएंगे तो भी वीडियो मैं पूरी पूरी शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि बहुत दिनों बाद वीआईपी साहब हमारे हाथ में आए हैं। ऐसे किसी के हाथ में आते नहीं है, पर आज आ गए, फाइनली आ गए। बना लिया है वीआईपी साहब ने, क्या बनाया वीआईपी साहब आपने? तो नहीं कुछ तो बनाया है, मेरे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं हर कुकिंग पे, मैं कभी भी सेम चीज नहीं बनाता, जैसे भी चीज़ में एक्सपेरिमेंट करके बनाता हूँ, और एक्सपेरिमेंट कभी कभी फ्री होते हैं तो हमेशा पास ही होते हैं। हाँ, एक बार लास्ट टाइम जब वीआईपी साहब ने बनाया था तो पता नहीं पनीर का कुछ तो बनाया था, और रोटी बनाई थी, किस चीज की? चीले की, शाही पनीर था शायद, और रोटी बनाई थी वो वाली मिस्सी रोटी। नहीं, 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 नहीं,
वो राउंड राउंड वाली कौन सी होती है? याद नहीं है, पर हाँ वो बनाया था लास्ट टाइम, वो शायद हमने ब्लॉग में डाला था, वो भी बैचलर छोरा के ब्लॉग में था वो, क्योंकि वो ब्लॉग उसने बनाया था, है ना? अब की बार मेरे ब्लॉग में मिल रहा है आपको, अगली बार वैरागी राइडर के खुद के ब्लॉग में मिल जाएगा अगर उन्हें टाइम हुआ तो। आज का ब्लॉग मैं यहीं कर रही हूँ एंड। वैरागी राइडर जी को जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, आज मैंने अपने वीडियो में लिया है, साथ ही उन्हें कुकिंग करते हुए भी आप लोगों ने देख लिया होगा, कुछ लोगों ने तो उनकी कुकिंग का स्वाद चखा हुआ है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अब मैं सभी को